jungle हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग तो दोस्तों आखिरकार आप सभी का इंतज़ार हो चुका है ख़त्म जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी एनिमल के बारे में जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी हिंदी में वो भी फुल एच में और साथ ही इस फिल्म का एक छोटा सा रिव्यू भी दूंगा और इस फिल्म के फैक्ट्स स्टोरी लाइन स्टार कास्ट इस फिल्म में एक्टर की परफॉर्मेंस और कौन से करैक्टर ने क्या किरदार अदा किया है इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे साथ ही इस फिल्म का पिलॉट भी बताऊँगा और इस फिल्म के प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो दोस्तों अगर आप भी रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की डाई हार्ट फैन है या आप भी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा मूवी देखना पसंद करते हैं या आप भी एनिमल मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया बहुत ही अल किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पराने रेड्डी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइनमाटोग्राफी का, का काम किया अमित रोय ने अमित रोय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेट विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंद्रा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बद कार्लई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को, को मुंबई दो में जो है मई दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का कर करैक्टर करते देखने को मिले हैं और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं अन रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही आला किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज़ में किया गया और बहुत ही आला किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पराने रेड्डी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही आला किस्म की और इससे पहले य फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही आला किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते हैं देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरानिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से एक गल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदरा कली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म्स ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो में जो है मई दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को, नेक्स को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज़्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की, की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है ब... बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे या, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपिति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और ने रेडी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अला किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज के लिए पैसा लगा चुके हैं और टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अला किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही मूवीज के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूं तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीदर शह इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोज़र इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंद्रा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री जो त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी दे इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो हमारी इस वीडियो को एक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मज़ीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अला किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है इनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर शह इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंद्रा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री जो त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करेक्टर दे करते देखने को मिले हैं और बॉबी देल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाघ और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे या तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपिति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया वो बहुत ही आला किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही आला किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पराने रेड्डी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अला किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही आला किस्म की है और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की, की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरन्य अश अश्विन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर सहगल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज़र आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रामेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ, आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज़ किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज़्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाघ और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपिति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अला किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही मूवीज के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूं तो एडिटिंग का काम के संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेशवर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ, आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का कैरेक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का कैरेक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली यह मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 दो की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रैड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया गि और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूज़िक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरन्य अश्विन केमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर सहगल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज़र आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है हर्षवर्धन और रामेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारले पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोच शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री जो है त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंधन इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाप और बेटे के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन और इसके पीछे की क्या कहानी होती है रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और, और, और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और यह फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करेक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो तो अगर आप भी इस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपि दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया वो बहुत ही आला किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही आला किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का, का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पुराने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं और टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है इनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनहान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे से और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदिरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपए का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की थी तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और ये फिल्म थिएटरों में रिलीज़ होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया वो बहुत ही आला किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज़ में किया गया और बहुत ही आला किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज पहले भी देखने को मिल चुकी है और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अला किस्म की और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अला किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रैड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरानिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे से और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारले पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंधन इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाप और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है यह सब कुछ जानने के लिए आपको यह पूरी मूवी देखनी चाहिए यह रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही आला किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही आला किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लैस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं और टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही मूवीज के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूं तो एडिटिंग का काम के संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेट विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरणिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से गल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कम्पोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज़ किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है, है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और, और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो क्योंकि एक मिनट का, का, तो का बेसब्री से तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का, का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पुराने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले यह फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनहान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कम्पोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही अला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंद्रा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज़ किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है ब... बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपि दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही आला किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन आश, केमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर सहकगल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज़र आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है हर्षवर्धन और रामेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज़ किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़दी बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो में जो है मई दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़ कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है ब... बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी का संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ चीज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पुराने रेडी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है इनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही आला किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही आला किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीबधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदिरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारलीई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी हाँ दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज़ किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़दी बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो में जो है मई दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करेक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम का किया वो बहुत ही अला किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और है। कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं और टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइनमाटोग्राफी का, का काम किया अमित रोय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले यह फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरन्य अश अश्विन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर सहगल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज़र आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रामेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कम्पोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंद्रा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म बदरा काली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को, को मुंबई दो में जो है मई दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म तो के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में, में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है ब... बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो तो अगर आप भी इस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मज़ीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया वो बहुत ही अल किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पुराने रेड्डी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीबधर से एक गल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदिरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बद कार्लई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़दी बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो बाईस में जो है मई 2022 में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया था करा गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाघ और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का होने वाला है और इस फिल्म को इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मज़ीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया वो बहुत ही अल किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइनमाटोग्राफी का, का काम है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेट विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीबधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदिरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़दी बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो में जो है मई दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और उस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री जो है त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रोल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कोई ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाप और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है यह सब कुछ जानने के लिए आपको यह पूरी मूवी देखनी चाहिए यह रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और यह फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे या, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अल किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अला किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं और टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अला किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही छीची मूवीज के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूं तो एडिटिंग का काम संदीप रेड्डी वांगा ने किया है। जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरानिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बद पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो में जो है मई दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते, करते देखने को मिले हैं और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करेक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए यह रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस एक, तो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का, का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अल किस्म की और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरानिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो में जो है मई दो, में, दो में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज़्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी दे इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली हैं और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है ब... बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे या, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपिति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पराने रेड्डी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं और टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से एक इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही अला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंद्रा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शे शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री जो त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी दे इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंद्रा का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में UH, किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और तो बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पानी रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं और टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन माटोग्राफर है इनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही आला किस्म की है और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही आला किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर शह इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री जो त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की, की? की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाघ और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे या, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो तो अगर आप भी इस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपिति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और प्राने वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही आला किस्म की है और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेट विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरण्यक अश अश्विन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर सहगल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज़र आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रामेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बद कार्लई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़दीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी, भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से और क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है ब... बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपिति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेड्डी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही मूवीज के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूं तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरानिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर शह इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंद्रा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज़्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाघ और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लैक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देवल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और रेड्डी रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही आला किस्म की और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भारद्वाज श्रियास पुरन्य अश आश, अश्विन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर सहगल इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोज़र आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है हर्षवर्धन और रामेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फोर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का कैरेक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का कैरेक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करेक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और यह फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिली है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपि दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश ओब्रॉय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्निक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम भी का संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पाने रेडी ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का, का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की और इससे पहले ये फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनान भरद्वाज श्रियास पुरानिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे से और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और उसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंद्रा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदिरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म बदकारई पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म भद्राकाली पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने 24 घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग 50 मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपए का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलुगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मज़ीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोच शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड है एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंदना इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली है। और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाग और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फ़ैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये पूरी मूवी देखनी चाहिए ये रणबीर कपूर और अनिल कपूर देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का, का काम किया है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने का मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रान टाइम होने वाला है क्योंकि 201 मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी, तो भी तो लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों एनिमल 2023 की एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज की एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसके लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदना त्रिपति दिमरी शक्ति कपूर प्रेम चोपड़ा सुरेश उब्रोय रवि गुप्ता बबलू पृथ्वीराज सिद्धांत कार्नेक और मजीद भी बहुत से एक्टर आपको इस फिल्म में अहम अहम भूमिका निभाते देखने को मिले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने और ये बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं और इनकी डायरेक्शन में बनी फिल्में बहुत ही अच्छी होती हैं और इससे पहले ये अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड भी जीत चुके हैं और इस फिल्म में जिन्होंने डायरेक्शन का काम किया वो बहुत ही अली किस्म का और बहुत ही बड़े अंदाज में किया गया और बहुत ही अली किस्म से इस फिल्म के हर एक सीन को जो है डायरेक्ट किया गया और इस फिल्म की स्क्रीन प्ले का काम का भी संदीप रेड्डी वांगा ने किया है और सौरभ गुप्ता ने उनका साथ यहाँ पर निभाया है स्क्रीनिंग का और इससे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए काम किया हुआ है जिनमें से गुलाबी लेंस परीक्षा तितली जैसी बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ शामिल हैं और कुछ शॉर्ट मूवीज़ में भी सौरभ गुप्ता ने काम किया हुआ है और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है इस फिल्म में काम किया गया और इस फिल्म की स्टोरी को लिखा भी संदीप रेड्डी वांगा ने और इंट्रोड्यूस भी संदीप रेड्डी वांगा ने ही किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की स्टोरी राइटिंग का काम किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया भी गया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है भूषण कुमार कृष्ण कुमार मुराद केतानी और पुराने रेडी वांगा ने और इस फिल्म की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो बहुत ही अलग किस्म का खर्चा किया गया और बहुत ही अच्छे बजट पर इस मूवी को बनाया गया है और भूषण कुमार और कृष्ण कुमार इससे पहले भी बहुत ही बड़ी बड़ी मूवीज़ के लिए पैसा लगा चुके हैं टी सीरीज़ के द्वारा आपको सभी को बहुत ही बड़े बड़े लेवल की मूवीज़ पहले भी देखने को मिल चुकी हैं और इस फिल्म में साइन का काम किया है अमित रॉय ने अमित रॉय बहुत ही अच्छे जाने माने साइन हैं है उनकी जो साइन आप सभी को इस मूवी में देखने को मिली है वो बहुत ही अलग किस्म की है और इससे पहले फिदा सरकार पाप रनिंग शादी इस तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज़ के लिए साइन करते देखने को मिल चुके हैं और इस फिल्म में भी बहुत ही अलग किस्म की साइन आप सभी को देखने को मिली और एडिटिंग की बात करूँ तो एडिटिंग का काम किया संदीप रेड्डी वांगा ने किया है जी हाँ दोस्तों संदीप रेंडी वांगा ने इस फिल्म में एडिटिंग का काम किया और बहुत ही अच्छे अंदाज़ में इस फिल्म की एडिटिंग डायरेक्शन और स्टोरी राइटिंग की गई है और संदीप वांगा इस फिल्म में आपको बहुत सभी को बहुत ही अलग किस्म का काम करते देखने को मिले हैं और इस फिल्म में म्यूजिक कंपोजिंग की बात करूँ तो सॉन्ग कंपोजिंग का काम किया है दोस्तों प्रीतम जामेठ विशाल मिश्रा जानी मनहान भरद्वाज श्रियास पुरनिक अश्विन कैमसोन हर्षवर्धन रामेश्वर गरीधर से इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूजिक कंपोजर आप सभी को इस फिल्म में सॉन्ग कंपोजिंग करते देखने को मिले हैं और बैकग्राउंड स्कोर की कंपोजिंग की बात करूँ तो बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया है हर्षवर्धन और रमेश्वर ने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर कंपोज़ किया है और बहुत ही अच्छे से और जाने माने म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म के लिए लगाए गए हैं और बहुत ही अच्छे बजट पर जो इस मूवी को बनाया गया और बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही आला किस्म का दिया गया है और इसी के साथ साथ आपको बहुत ही अच्छे रोमांटिक सीन और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स भी इस फिल्म में आपको रणबीर कपूर और रश्मिका मंदरा के बीच देखने को मिले और पहली बार वो एक साथ काम करने वाले हैं और रश्मिका मंदरा का हिंदी सिनेमा में पहला डेब्यू और बहुत ही अच्छा काम आप सभी को देखने को मिलने वाला है और दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फिल्म्स बदकारले पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया जी है जी दोस्तों इस फिल्म को टी सीरीज़ फ़िल्म बदरा पिक्चर्स और साइन वन स्टूडियोज़ के द्वारा प्रोडक्शन में बनाया गया और इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है आ फिल्म ई फॉर यू इंटरटेनमेंट्स और श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशंस और के प्रोडक्शन ने इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और बहुत ही बड़े पैमाने पर इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस फिल्म ने अपने चौबीस घंटे के अंदर इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो लगभग पचास मिलियन क्रॉस कर चुका है और इस फिल्म को रिलीज़ कराया गया था दोस्तों एक दिसंबर दो को जहाँ पर इस फिल्म का रन टाइम था लगभग दो घंटे लगभग तीन घंटे का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये का है और इस फिल्म को हिंदी तमिल तेलगू मलयालम सभी लैंग्वेज में एक साथ थिएटर में रिलीज़ किया जाने, जाने वाला है और इस फिल्म के बारे में मजीद बताऊँ तो इस फिल्म की शूटिंग को जो है मनाली में अप्रैल दो हज़ार बाईस में स्टार्ट कराया गया था जहाँ पर इस फिल्म के कोई शूट को मुंबई दो हज़ार बाईस में जो है मई दो हज़ार बाईस में किया गया था और वहीं पर इस फिल्म को जो है पाताडू प्लेस में भी शूट कराया गया था जुलाई 2022 में और इस फिल्म के नेक्स्ट शेड्यूल को दिल्ली और पंजाब में कराया गया था और इस फिल्म की शूटिंग को जो है मिड मार्च में कंप्लीट भी करा लिया गया था और वहीं पर इस फिल्म को रिज्यूम कराया गया था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में अप्रैल में और इस फिल्म के बीस दिन को शूट को वहाँ पर भी किया गया था और इस फिल्म की जो है कास्टिंग को पहले त्रिमित्री दि त्रिपिति दिमरी जो है इस फिल्म को पहले रिपोर्टेड रूल में उन्हें लिया जाने वाला था लेकिन उसके बाद रश्मिका मंदना को रिप्लेस किया गया था चोपड़ा की वजह से क्योंकि वो इस फिल्म को करने के लिए कुछ ज़्यादा उत्साहित नहीं थी जिसकी वजह से इस फिल्म एक्ट्रेस को वहाँ पर लगाया गया था और दोस्तों बात करें इस फिल्म की स्टोरी की तो इस फिल्म की स्टोरी बेस्ड एक्शन क्राइम ड्रामा के ऊपर जहाँ पर आपको रणबीर कपूर हीरो के रोल में और एक बहुत ही बड़े गैंगस्टर का करैक्टर करते देखने को मिले और अनिल कपूर इस फिल्म में उनके फादर का करैक्टर करते देखने को मिले हैं और बॉबी देवल इस फिल्म में विलन के करैक्टर में और रश्मिका मंधन इस फिल्म में आप सभी को रोमांस करती है उनके साथ देखने को मिली और इस फिल्म की स्टोरी कुछ इस तरह की होती है कि एक बाप और बेटे के बीच एक बहुत ही कम्पलेक्स रिलेशनशिप होता है और दोनों बाप जो है बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और बेटा भी अपने बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी फैमिली की जो है वजूहत की वजह से क्योंकि वो दोनों अब उनके बाप को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं और जिसकी वजह से वो बेटा भी उनसे जो है दूर होता जाता है और इस बीच उन्हें बहुत ही मुश्किल झेलनी पड़ती हैं और वो आखिरकार घर छोड़कर चला जाता है और एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर बन जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी होती है और किस तरह से इस फिल्म में आपको आगे एक्शन क्राइम और ड्रामा देखने को मिलता है ये सब कुछ जानने के लिए आपको यह पूरी मूवी देखनी चाहिए यह रणबीर कपूर और अनिल कपूर बॉबी देओल और रश्मिका मंदना की जो है 2023 की एक बहुत ही अलग किस्म की मूवी होने जा रही है जिसमें आपको बहुत ही अलग किस्म के एक्शन के साथ साथ बहुत ही अच्छा क्राइम ड्रामा और थ्रिल भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म जो है बहुत सारी वेबसाइटों पर जो है अवेलेबल हो जाएगी जी एक दिसंबर 2023 को जी हाँ दोस्तों एक दिसंबर 2023 को इस फिल्म को जो है थिएटरों में रिलीज़ किया जाने वाला है तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और इस फिल्म में जो है सभी एक्टर ने बहुत ही अच्छे करैक्टर्स का काम किया का का है और इस फिल्म में रणबीर कपूर आलिया भट्ट और बॉबी देओल और रश्मिका मंदना का आपको इस फिल्म में पहली बार जो है डेब्यू देखने को मिलेगा हिंदी सिनेमा में और बहुत ही बड़े बजट पर बनाई जाने वाली ये मूवी है जिसका बहुत ही बड़ा रन टाइम होने वाला है क्योंकि दो सौ एक मिनट का इस फिल्म का रन टाइम होने वाला है और इस फिल्म को लाइसेंस भी मिल चुका है और ये फिल्म थिएटरों में रिलीज होने के लिए एक दिसंबर को बिल्कुल रेडी हो चुकी है और तो अगर आप भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा